ज्यादा धक्का नहीं दे रहा सर, आपने दो दिन का मुकम्मल किया दौरा सर, जो आपने दौरा रहा लोगों नीचे कर रहे हैं, नीचे नीचे खत्म हो रहा है सर दौरा। देखो स्टेट के आज छठा दिन है मुझे कश्मीर में, चार दिन और यहाँ दो दिन। इसके बारे में मैं एक दो दिन में दिल्ली जाकर ये सब छह दिन के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने लोगों को मिला और जो मैंने देखा और सुना है, उसके लिए ये संभव नहीं है कि मैं चलती हुई गाड़ी से और मेरा एयरपोर्ट का टाइम हो रहा है जहाज का अभी नहीं बता सकता, लेकिन संक्षेप में दो लाइनें ये कह सकता हूं कि जितनी मायूसी कश्मीर में है, जितनी निराशा कश्मीरवादी में है, उतनी ही निराशा जम्मू में भी है और जम्मू प्रोविंस में भी है। रूलिंग पार्टी के कुछ 100-200 लोगों को छोड़कर कोई खुश नहीं है। छोटा बिजनेसमैन जो तबका है, जिसका कारोबार सारा निर्भर कश्मीर पर है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, मध्यम दर्जे का दुकानदार हो, किराने वाले दुकानदार हो, या ट्रांसपोर्टर गाड़ी वाला हो, बस वाला हो, वो इतना निराश है कि कई लोगों ने कहा कि हम खुदकुशी करने पर हमारा हाल हो गया। इतनी निराशा और आतंक इतना है एडमिनिस्ट्रेशन का, इतना आतंक मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। डेमोक्रेसी नाम की स्टेट में कोई चीज नहीं है। जब कानून बदला उसके साथ साथ ही लोकतंत्र भी यहां खत्म हो गया। बात करने से आदमी डरता है, वो देखता है कहीं कैमरा फिक्स नहीं है, कोई मेरी मुखबरी तो नहीं कर रहा। तो जम्मू कश्मीर में कानून बदलने के साथ यहां की आवाज भी सप्रेस हो गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गई है, फ्रीडम ऑफ एजिटेशन खत्म हो गई है। नॉर्मल भी अगर कोई चीजें, बिजली पानी नहीं है, अगर वो एजिटेशन की बात करता है तो उसको कहना हिंदुस्तान के कौन से जेल में जाओगे, तो उसका मतलब है यहां कॉन्स्टिट्यूशन नाम के स्टेट में कोई चीज नहीं है पौने दो महीने से। सर एक हेलो न्यूज 18 इंदर भैया, इधर से पूरा फेंस आ रहा है, इधर आ ना, ये सारा है।